जो सोनीपत के पास है और पिछले 10 साल से मैं दिल्ली एनसीआर में सेटल्ड हूँ। इस दिल्ली जैसे बड़े शहर में बहुत बड़े बड़े सपने लेके मैं आई थी और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक छोटे से बीपीओ से। सो 7 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया जॉब लाइफ में और अपना पूरा 100% दिया जॉब को, पूरा मतलब अपना पूरा 100% देके मैं करती थी। मुझे बहुत उम्मीदें थी कि जो सपने मैं लेके आई हूँ मैं वो इस शहर में रह के इस जॉब से जरूर पूरा करूंगी। लेकिन यकीन मानिए जॉब लाइफ कैसी होती है। देखो मैं किसी भी जॉब पर्सन के ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है ये, क्योंकि जो भी आज जॉब कर रहे हैं वो आपकी रोजी रोटी है, उसकी इज्जत कीजिए। बट जॉब में लाइफ ऐसी होती है कि दो बार करते हैं पंच, एक बार मिलता है लंच और लाइफ हो जाती है टंच। ठीक है, तो लाइफ कुछ ऐसी थी कि सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। इट डजेंट मैटर कि यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपकी लाइफ क्या हुई, वो तो ऑब्वियसली बेटर होनी है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। मैटर ये करता है कि यूनिवर्सिटी में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। बदलाव तो ट्रांसफॉर्मेशन तो वही पता चलेगा ना आपको, क्या बदला आपने यूनिवर्सिटी में आके। तो 3 साल पहले मुझे ऐसा लगता है लाइफ में अभी तक इस 28 साल की उम्र में, लड़की कभी जल्दी से अपनी एज नहीं बताती, इस 28 साल की उम्र में मैंने शायद जिंदगी में एक सबसे अच्छा डिसीजन लिया और वो यूनिवर्सिटी करने का था, जिसने मेरी लाइफ को बदला ही नहीं, पूरा 360 डिग्री के एंगल में ट्रांसफॉर्म किया। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले किरण गोस्वामी एक ऐसी लड़की थी जो किसी अनजान आदमी से बात करने से पहले 10 बार सोचती थी। कभी घर में गेस्ट आ जाते थे ना, मेरे खुद के जीजू आ जाते थे तो मेरे ऐसे हाथ कांपते थे उनको पानी देते हुए। मैं बात नहीं कर पाती थी किसी से, ड्रेसिंग सेंस नहीं था, बोलने का पता नहीं था, बॉडी लैंग्वेज का पता नहीं, कुछ नहीं पता था। यूनिवर्सिटी मेरी पहली कंपनी है, इससे पहले मुझे 10-20 कंपनियों का एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरी पहली कंपनी है। और कहता ना यहाँ पे हमने उठना भी यही सीखा, चलना भी यही सीखा, गिरना भी यही सीखा और गिर के फिर संभलना भी यही सीखा। तो सब कुछ यूनिवर्सिटी में सीखा। यूनिवर्सिटी में आने के बाद फॉरेन टूर भी अचीव किए, 2 बार मैं फॉरेन ट्रिप पे जा चुकी हूँ और एक ऐसे छोटे से गांव से हूँ जहां लड़कियां सोच भी नहीं पाती फॉरेन ट्रिप, ये सब सोच भी नहीं पाती। मैं मेरे पूरे गांव में अकेली ऐसी लड़की हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। और मैं यूनिवर्सिटी में आने से पहले लाइफ पता कैसी थी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके अलावा कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं था लाइफ में। अभी बहुत जगह ट्रैवल करती हूँ, बहुत मजा आता है, लाइफ इज ए फन विद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इज लाइफ, बहुत मजा आता है। अभी इतना ट्रैवल करती हूँ, जगह जगह जाती हूँ, वहां के लोगों से मिलती हूँ, वहां के कल्चर को समझती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लाइफ इज विद यू नो फुल ऑफ एक्साइटमेंट विद यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी में आने के बाद आज वही किरण गोस्वामी जो किसी अनजान आदमी से बात नहीं कर पाती थी, अभी जब 100 लोग बिठा लीजिए, 1000 बिठा लीजिए, अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकती हूँ। ये मुझे यूनिवर्सिटी ने दिया है। यूनिवर्सिटी से जब मैं बैठी थी वो वीडियो जो यहाँ पे स्टार्टिंग में चली थी, मैं आज तब से बहुत इमोशनल हूँ क्योंकि वो मेमोरीज एकदम से फिर से माइंड में सब कुछ वापस से आ गया। जब बैंकॉक गई थी और स्टेज पे जो मैंने वॉक किया था, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, जब स्टेज पे हम जाने वाले थे, क्योंकि बैंकॉक में मैंने सीनियर डायरेक्टर लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, दैट वाज अमेजिंग डे ऑफ माय लाइफ। क्योंकि एक छोटे से गांव की लड़की, सोचो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चलती है क्या आपके पास कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा बिजनेस जो आपको रिकॉग्निशन दे सके, है कुछ ऐसा हमारे हाथ में, नहीं ना। वो फीलिंग ऐसी थी कि स्टेज पे जाने से पहले, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज के लोग आए हुए थे, लाइन में खड़े थे, मैं जो 5-7 मिनट रज के रोई थी ना खुशी के मारे, मतलब वो फीलिंग ही अमेजिंग थी। कुछ लोग स्टेज पे चलते हैं तो थोड़ा सा स्टाइल भी मारते हैं, भैया पहली बार स्टेज पे गो, मैं पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुकी थी, ऐसे चल रही थी, लेकिन वो फीलिंग बहुत अमेजिंग थी। बहुत मतलब इतना प्राउड फील हुआ उस दिन कि बाकी मैंने बहुत सही डिसीजन लिया यूनिवर्सिटी को करने का। और जब मेरा सीनियर डायरेक्टर का रिकॉग्निशन हुआ था दिल्ली में, दैट वॉज टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। ये तो मुझे डे वन से पता है कि मैं यूनिवर्सिटी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कल देवेंद्र शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, इस बिजनेस को करने के लिए ना आपका सबसे पहले वाई क्लियर होना जरूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप यूनिवर्सिटी में क्यों आए हैं, आप इसको कर भी नहीं पाओगे। जरा सी मुसीबत आएगी और आपको हाय मर गया और आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे,
ये कर दूंगा वो कर दूंगा और जरा सी मुसीबतें आई होती आप फुल, लेकिन बिलीव मी एवरीथिंग इज विदिन यू, सब कुछ आपके अंदर है। यूनिवर्सिटी में क्या कमी है बोलो, है कोई कमी? नो। फिर क्यों लोग फेल होते हैं? अपने कारण। जब भी हम जिंदगी में फेल होते हैं अपने कारण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं तो अपने कारण होते हैं। नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ सक्सेसफुल होते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। क्या किरण गोस्वामी अकेले सीनियर डायरेक्टर बनी? टीम का हाथ था ना, टीम ने बनाया किरण गोस्वामी को सीनियर डायरेक्टर, है ना। इसी तरीके से जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमारी सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। मेरी सक्सेस के पीछे भी बहुत सारे लोगों का हाथ है। मैंने बोलना सीखा हमारे ग्रेट अपलाइन से, मैंने स्टेज पे खड़े होना सीखा हमारे ग्रेट अपलाइन से, है ना। जो लेवल्स अचीव किए वो टीम की बदौलत किए। मेरी पूरी टीम को मैं दिल से बहुत प्यार करती हूँ, दिल से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरी टीम की बदौलत मैं सक्सेसफुल हुई, जहां भी मैं पहुंची हूँ। आई नो दिस इज जस्ट ए बिगनिंग, है ना, लेकिन जहां भी पहुंची हूँ टीम की बदौलत पहुंची। लेकिन अगर फेल हो जाती हूँ किसकी वजह से होती? अपनी खुद की। तो यूनिवर्सिटी के अंदर आके एक इंसान के ऊपर काम करना है। जब हम किसी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ध्यान रखना चार उंगलियां आपकी तरफ आती है, तो सबसे ज्यादा अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, सब कुछ मुझे यूनिवर्सिटी ने दिया और मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है। एंड आई नो एग्जैक्टली कि मुझे यूनिवर्सिटी में आने वाले टाइम में क्या करना है। कभी भी मैं अपने उस विजन को विजुलाइज करती हूँ ना, उस चीज को, जिस टाइम भी मैं रिमाइंड करती हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी क्यों कर रही हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ। चाहे मैं ट्रेन में बैठी हूँ, मुझे याद है लास्ट टाइम मैं गुजरात जा रही थी और मैं ट्रेन में बैठी हूँ, मुझे मैं ऐसे ही सोचने लग गई कि क्या होगा जब मैं मेरा वो सपना मैं पूरा करूंगी। उस फीलिंग को मैं महसूस कर रही थी एंड आई वाज क्राइंग बैडली। सामने वाली सीट पे एक लेडी बैठी हुई थी एंड वो मुझे देख रही थी। वो कुछ देर में मजबूर हो गई उठ के आने के लिए। उसने मुझसे पूछा, बेटा आप रो क्यों रहे हो? उनको लगा कि कुछ हो तो नहीं गया लड़की के साथ। तो मैं ये फीलिंग, ये होता है वाई। आपका जो वाई है ना, मतलब जो रीजन है आपका, आप उससे जब तक इमोशनली कनेक्टेड नहीं होंगे ना, जब तक आपकी भावनाएं उससे नहीं जुड़ी होंगी, आप नहीं कर पाओगे इस चीज को। सो यूनिवर्सिटी मैं नो डाउट हम अपने लिए कर रहे हैं, पैसा कमाना है, फ्यूचर बनाना है, सब कुछ है ना। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, मुझे ऐसा लगता है हम अपनी तो लाइफ बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन अपने अपनों की भी तो लाइफ बनाएंगे ना। अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, प्रोडक्ट दोगे, लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, सब लोग खुश रहेंगे। सोचिए आपकी सोसाइटी में सब लोगों की हेल्थ अच्छी, जस्ट इमेजिन कितनी खुशियां रहेंगी आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, कितना अच्छा आप महसूस करोगे, राइट। जब लोग आगे रैंक पे बढ़ेंगे, उनके उनके खाते में जब चेक आते हैं, कितनी खुशी मिलती है। दैट इज अ ग्रेट फीलिंग जब लोग स्टेज पे आकर बोलते हैं किरण मैम की वजह से, किरण मैम ने ये क्या क्या ये खुशी आपको जॉब में मिल सकती है या किसी अदर प्लेटफॉर्म में? यहाँ पे आप अपनी लाइफ के साथ साथ लोगों की लाइफ बना सकते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मैं बोलती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे आप ये जानते हो कि आपकी क्या वैल्यू है। और सीरियसली नेटवर्क मार्केटिंग आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज को ऐड करता है, आपको एक बेहतर बेहतरीन इंसान बनाती है नेटवर्क मार्केटिंग। बेशर्त आप इसको दिल से कर रहे हो, सिर्फ कमीशन के लिए ना कर रहे हो, राइट। कमीशन तो बाय डिफॉल्ट आएगी, बाय डिफॉल्ट आएगी। सिर्फ अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओ और लोगों की मदद करो। आई थिंक मैंने टाइम को ज्यादा ही ले लिया, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द